नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई। आज हमारे पास एक नया फोन है जिसका जो ब्रांड आपने सुना नहीं होगा, और इस फोन का नाम है या इस ब्रांड का नाम है सेंट्रिक। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, नई कंपनी है, जिन्होंने 4 या 5 डिफरेंट फोन्स लॉन्च किए हैं पिछले महीने। हमारे पास है उनका फ्लैगशिप फोन सेंट्रिक G1। इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू करेंगे इस फोन का, जानेंगे कैसे चलता है, इसका प्राइसिंग क्या है, देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सेंट्रिक G1 के स्पेसिफिकेशंस। इसका प्रोसेसर है MT6735 1.3 क्वाड कोर प्रोसेसर, माली T720 GPU जो गेमिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको। स्क्रीन 5.5 इंच है, HD स्क्रीन है, फुल HD नहीं है, 1280x720p। इसके साथ 3GB RAM एंड 16GB ROM आता है, लेकिन याद रखिए इसका डेडिकेटेड SD स्लॉट है, जिसकी वजह से आप 256GB तक इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फ़ोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो आता है, वोल्टी कनेक्टिविटी है, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, USB 2.0, GPS, AGPS, बाकी वो सब इस फोन में आता है। फोन की थिकनेस ज़्यादा नहीं है, वेट भी ज़्यादा नहीं है इसका, हाथ में स्लाइटली बड़ा लगता है। ये देखिए मेरे हाथ बड़े हैं, फिर भी अगर आपके हाथ छोटे हैं या गर्ल्स के लिए तो ये ज़रा ज़्यादा बड़ा होगा। इवन दो 5.5 इंच है इसकी स्क्रीन, फिर भी बेजल्स थोड़े बड़े हैं तो उसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा है, पर ज़्यादा हैवी नहीं है। हाथ में अगर आपके हाथ बड़े हैं तो परफेक्टली फिट होता है ये फोन। इसका जो बैक फिनिश है वो है सैंडस्टोन ब्लैक, OnePlus 2 का जैसे था वैसे ही है। मैंने यूज़ किया हुआ था वो फ़ोन पहले, OnePlus 2, उसका थोड़ा रफ था, इसका थोड़ा स्मूथ है, वेलवेटी है, बट फिनिश अच्छा है, दिखने को फ़ोन बड़ा ही अच्छा लगता है। आगे की तरफ इसकी जो स्क्रीन है स्लाइटली कर्व्ड स्क्रीन है, 2.5D के जैसे ही है, आई डोंट थिंक इट इज़ 2.5D, लेकिन ये कर्व्ड ग्लास है, और वो कहते हैं ये HD IPS OGS पोलराइज्ड ड्रैगन ग्लास सेंट्रिक कहता है। एंड स्क्रीन मैंने जितना यूज़ किया इस फ़ोन को, मुझे बहुत बड़ी पसंद आई, कलर बैलेंस बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा नहीं है बट इट इज़ वेरी न्यूट्रल कलर बैलेंस, अच्छा लगता है। चलते हैं कैमरे की तरफ। इसका कैमरा रेयर कैमरा 8 मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है, दोनों भी हमने कुछ फ़ोटो निकाले, आई वुड से इट इज़ एवरेज, जस्ट अबाउट एवरेज। अगर आप कैमरा देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर दिस फ़ोन, क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, बट एवरेज कैमरा है। बैटरी इसकी 2900 mAh है, और अगर आप हैवी यूज़ करते हैं फ़ोन, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ये शायद आपको दिन भर ना जाए, लेकिन अगर आप एवरेज यूज़र हैं तो ये बैटरी आपको दिन भर चलेगी। एक चीज़ इस फ़ोन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये एंड्रॉयड 6.0 है इसके ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब ये थोड़ा पुराना है, अगर बिकॉज इट इज़ अ न्यू लॉन्च, मुझे लगता अगर ये एंड्रॉयड नुगाट के साथ आता था, एंड्रॉयड 7.0 के साथ, तो बहुत अच्छा होता था। होपफुली अपडेट करेंगे, जो भी लोग लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप बहुत सारा गेमिंग करते हैं, बहुत हेवी गेम्स खेलते हैं, तो फ़ोन जो है ये अच्छा परफॉर्म करता है। बीच में कुछ कभी 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 कभार फ्रेम रेट्स ड्रॉप करता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस था गेमिंग का बढ़िया था। और मैं स्टोरेज के बारे में जस्ट कहना चाहूँगा, ये ड्यूअल सिम फ़ोन है, मैंने पहले भी कहा था ये ड्यूअल सिम फ़ोन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसके लिए एक SD स्लॉट दिया है जो 256GB तक एक्सटेंड हो सकता है, तो बहुत सारा वीडियोस या फोटोज़ आपको चाहिए तो आप वो SD कार्ड पे डाल सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। बहुत सारे फ़ोन आजकल हाइब्रिड स्लॉट के साथ आते हैं, तो बेसिकली आप ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और SD कार्ड, इसमें ऐसा नहीं है, आप तीनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, दो सिम और SD कार्ड। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें बाकी वारंटी कार्ड, आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन, बैटरी, बैटरी चार्जर, ट्रैवल चार्जर वायर, वो सब आता है। उसके साथ में एक एक्स्ट्रा आपको कवर भी मिलता है जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की कवर है। थोड़ा मुझे तो लगता है इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा थिक हो जाता है, इतना खास दिखता नहीं है, आपको मालूम है ट्रांसपेरेंट कवर्स, प्लास्टिक कवर्स कैसे होते हैं, लेकिन ये फ्री आता है तो दैट्स अ प्लस। फाइनली चलते हैं प्राइस की तरफ। बॉक्स के ऊपर इसका प्राइस है 9000 रुपीज़,
लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 8,000-8,500 तक, या फिर ऑनलाइन भी जाएंगे तो 8,000-8,500 तक मिलेगा। एंड 8,000-8,500 में आई थिंक 3 GB रैम, क्वाडकोर प्रोसेसर, अच्छा सा, अच्छा क्वालिटी का जो उनका ग्लास है वो है। द ओनली डाउन साइड मेरे हिसाब से उसका कैमरा है जो 8 MP है, एटलीस्ट 13 MP रेयर कैमरा होना चाहिए था। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप फीचर फ़ोन से आगे बढ़ रहे हैं, या आपको एक बड़ा सा फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छा रैम है, अगर आप 1 GB का रैम का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 GB है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप देख लीजिए। इसके साथ 8,000 के रेंज में दूसरे भी फ़ोन हैं उसी की तरह, ये भी अच्छा है, आप ज़रूर देखिएगा इस फ़ोन को। ये नया है मार्केट में, शायद आपको ऑनलाइन या आपके स्टोर्स में नहीं मिलेगा कभी कभी, बट ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट टाइम और देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वक्त तक के लिए